ये सुमित आज तो छक्का मार रही हो। पकड़ 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 पकड़। अबे यार ना कटवा दी तूने भी। किस बात का आउट? हाँ कैसे आउट? अबे भाई कैच पकड़े साफ साफ, तूने देखा नहीं क्या आउट है? चल कैच क्या है? कैसा कैच? अबे भाई तूने देखा नहीं क्या वंटी पकड़े उसने अपने हाथों से? वंटी वंटी में एक हाथ से लेनी होती है, दो हाथ से नहीं, समझा? नॉट आउट है ये। नॉट आउट है, फालतू बकवास मत करो। नॉट आउट है, चुप। अबे वो एक हाथ से पकड़ा चाहे दो हाथ से पकड़ा, आउट आउट होता है। सुमित ये कोई आउट आउट नहीं है, एक ही हाथ से पकड़नी होती है वंटी। ओए चल बॉल फेंक तू। रूल तो पता नहीं है। हम कोई बॉलिंग वॉलिंग नहीं करेंगे, आई बात समझ में? ला बैट इधर दे। ये तो यहाँ खेलने आया था, ऐसे कैसे बॉलिंग नहीं करेगा? बॉलिंग तो करनी पड़ेगी, चल बॉलिंग चल। हे भगवान, खेलने के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे। खादे तो मेरे को। ओह 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 ओह, टॉप टूट गया। ओह बैट मार दिया इसने मेरे पैरों पे। आ नहीं नहीं मैंने तो आराम से मारा था, ये नौटंकी कर रहा फालतू की। अबे भाई तू झूठ बोल रहा है, हमें पता है तू बहुत बड़े ड्रामेबाज है, ड्रामे कर रहा है ना, खड़ा हो जा जल्द। बैट मार दिया। भगवान क्या करूं इस लड़के का, इसने तो बेइज्जती कर रखी है, अभी बताती हूँ इसे। इतना तो तेज भी नहीं मारा, नौटंकी क्यों कर रहा खड़ा था? ओ मेरा प्यार। मम्मी आप यहाँ कैसे टपक पड़े? कहाँ से टपक पड़ी नलायक, ये करने आया है तू यहाँ पे है? इसलिए कहा था मैंने बाहर आजा खेलने के लिए, गुंडागर्दी करने आया है तू यहाँ पे। अरे मम्मी मैंने तो थोड़ा सा टच किया, फालतू में नौटंकी कर रहा है, ये नौटंकी बात है? नौटंकी कर रहा है बेचारे की टांग तोड़ दी तूने, उसकी मम्मी को क्या जवाब दूंगी मैं? आंटी देखो ना इसने बैठ के जोर से मेरे पैर पे मारा, मेरी टांग टूट गई, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा आंटी? कितनी नौटंकी कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं लगी, बिल्कुल धीरे से लगा था, सच में धीरे से लगा था, इसलिए रो रहा है ये है? आंटी झूठ बोल रही है, इसको कुछ भी नहीं लगी है, सुमित ने तो इसको हल्के से मारा था, ड्रामे बाजे ये। अच्छा हल्के से मारे तो तू चुप कर, जो इसकी दुम बनी घूमती है ना सब पता है मुझे। अरे मम्मी मैंने इसको बस टच किया तो थोड़ा सा, और वैसे भी चीटिंग इन्होंने की थी, मैंने थोड़ी ना मारना तो बनता है। रुक जा बेटा, तेरा ना बदला ना लायक, बताती हो तो भेजती हूँ तुझे, अब निकली हो तू घर से बाहर, तेरी टांगे नहीं तोड़ी ना, बताऊंगी तुझे ना लायक। मामा के घर जा रही हूँ, तेरे घर में चाहिए तू, मुझे घर से बाहर निकल गया ना तो रंगा बना दूंगी तेरा मैं, समझ गया? आंटी आंटी ओ बैट खेले बेटा, बैट खेले। हाँ तो जा रहा हूँ ना, अब खेलेंगे कैसे? मेरे घर पे आ जाना तुम दोनों, ठीक है? वहाँ खेल लेंगे। सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है, मैं तेरे साथ कभी खेलूंगी ही नहीं। मेरी वजह से क्या हुआ है? भाई किसकी वेट कर रहा है तू? अरे वो दोस्त आ रहे हैं घर पे खेलने के लिए। घर पे? भाई इस टाइम तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे? हाँ भाई खेलते थे, लेकिन आज मम्मी ने मना कर दिया कि आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलोगे, भगा दिया बीच में से ही। ऐसा क्यों भाई? अरे वो मोहित नहीं है यार, उसने लड़ाई कर ली और मम्मी ने देख लिया और फिर मना ही कर दिया कि तुम झगड़ते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे आज के बाद। भाई वो तो लड़ाई करेगा ही, क्योंकि उसके पास बैट है ना अपना खुद का। सही बात है भाई, वो बैट की अकड़ दिखाता है इसीलिए ज्यादा बना फिरता है। एक काम करना तू भी अपना ले ले बैट। बहुत आसान है ना, जैसे मम्मी पैसे बिल्कुल नहीं देगी, खेलने तो मेरे को देती नहीं, बैट के लिए पैसे कहाँ दे देगी? भाई पैसों की टेंशन क्यों ले रहा है तू? तूने पॉकेट ब्रोकर के बारे में नहीं सुना क्या? यहाँ पे तू ना बिना वेरिफिकेशन के जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिससे तू ट्रेडिंग शुरू कर सकता है और अपना पहला प्रॉफिट कमा सकता है। और हाँ विड्रॉल फीस भी ना 0% है, और यहाँ ना डेली टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें एंट्री फीस होती है और $250 का प्राइस पूल होता है। है भाई सच में? क्या इसे पैसे कमाने के लिए यूज कर सकते हैं? फिक्र मत कर भाई, बहुत आसान है। ये देख इसमें अलग अलग ट्रेडिंग मोड्स है, फास्ट ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, 4x MT4, 4x MT5। ये 130 से ज़्यादा एसेट्स कवर करता है, जैसे कि करेंसी पेयर, इंडेसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, यहाँ तक कि 92% तक का रिटर्न भी मिल सकता है, वो भी 24/7 अवेलेबल है। और इससे ना ट्रेडिंग करना और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है, एक्टिव ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स मिलने के साथ। और तेरे को पता है इसमें ना तू क्रिस्टल्स कमा सकता है, जो तू मार्केट में ट्रेडिंग बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे बैलेंस बोनसेस, रिस्क फ्री ट्रेडिंग, कैशबैक और भी बहुत कुछ। और भाई जितनी ज़्यादा तू ट्रेडिंग करेगा ना उतने वैल्यूएबल बेनिफिट्स मिलेंगे तुझे। हाँ भाई सही है, अब तो मैं भी पॉकेट ब्रोकर पर ट्रेडिंग करूंगा और अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। क्यों नहीं भाई, ये गूगल प्ले, शाओमी और डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। और ये देख इसमें ना विड्रॉल भी बड़ा आसान है,
मल्टीपल विड्रॉल ऑप्शंस के साथ और कोई कमीशन भी नहीं है। और भूलियो मत भाई, मेरा प्रोमो कोड BHYAN जरूर यूज करियो 100% बोनस पाने के लिए अपने पहले डिपॉजिट पर। अरे वाह भाई, ये तो सही है, अब तो मैं खुद का बैट लेके आऊंगा अपना। चल ठीक है, तू मौज कर, मैं जा रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे हाथ से आज वो बच गया, वरना आज उसका कचूमर बना देता मैं। रहने दे बेटा, रहने दे, फिर तो तू जाता। देख वैसे आउट तो तू ही था। आउट कैसे था? वन टिप वन एंड लेनी होती है समझी, जब आउट होता है ऐसे नॉट आउट था मैं। और वैसे भी तू मेरी टीम में है, उसकी टीम में? उसकी टीम, सॉरी तेरी टीम में। हाँ तो आप फालतू मत बोल, चुपचाप बैठी रह। चुपचाप बैठने थोड़ी ना है हम यहाँ पे। और ना अब तेरी मम्मी तेरे को बाहर जाने देगी, अब क्या करें? कैसे खेलेंगे? अबे मम्मी ने बाहर जाने के लिए मना किया है, घर में खेलने को मना थोड़ी ना किया है, यहाँ तो खेल नहीं सकते हैं। अरे पर घर में खेलेंगे क्या? अब वो तुम सोचो। एक काम करते, कैरम बोर्ड खेल लेते हैं। कैरम बोर्ड? यार हमारा कैरम बोर्ड वैसे घिसा हुआ है, मजा नहीं आएगा, तो मैं नहीं खेलूंगा वो। PS5 खेलें? हाँ PS5। PS5 नहीं यार, स्क्रीन में देख देख के आंखें खराब हो गई हैं। नहीं तो फिर क्या खेले? लूडो खेलते हैं। अबे ओए लड़की, मैं हूँ और शौक तेरे लड़कियों वाले। वाह कुछ और खेलते हैं। नहीं खेलना तो साफ साफ मना कर दे, ऐसे बेइज्जती करने की क्या जरूरत है। कुछ ऐसा खेलना पड़ेगा जिसमें मजा आए, थोड़ा इंटरेस्ट बने, कोई नया गेम। ऐसा कोई गेम भी तो नहीं है ना जो हमने ना खेला हो। भाई एक गेम है। कौन सा? नहीं नहीं छोड़, वो थोड़ा खतरनाक है। अरे खतरों के खिलाड़ी तो हम हैं ही, तो गेम बता कौन सा है। ओजा बोर्ड। ओजा बोर्ड? अबे ये क्या है? अबे इसमें क्या होता है? इससे ना हम भूत बुला सकते हैं। भूत बुलाने की क्या जरूरत है, भूतों को तो हमने पहले ही बुला रखा है। कहाँ है, कहाँ है भूत? ये बैठी तो है चुड़ैल। फालतू मत बोल, ठीक है तू आगे बता। इस गेम के ना कुछ रूल्स है, इससे ना हम फिर सचमुच में भूत बुला सकते हैं। देख मेरे को तेरी बातों पे यकीन तो हो नहीं रहा, क्योंकि भूत भूत होते ही नहीं, लेकिन फिर भी तू कह रहा है तो खेल लेते हैं, टाइम पास ही तो करना है। आज तो मैं भूत ही देखूंगा। यार मम्मी ने ना मुझे समझ लाने के लिए बोला था, तो मैं काम करते हूँ घर चली जाते थी। सीधा सीधा बोलना, डर गई है, बहाने की मार रही है। अबे ओए मैं ना किसी से नहीं डरती, आई बात समझ में? चुपली। चल आगे बता तू। इसके लिए ना हमें ओजा बोर्ड चाहिए। ओजा बोर्ड कहाँ मिलेगा ये, चल लेके आते हैं। वो तो नहीं पता। नहीं पता तब कैसे खेलेंगे? अरे हम घर में बना लेते हैं ना। घर बना सकते हैं? हाँ। चलो ना फिर बनाते हैं। चलो चलो चलो। पक्का यही बनाना है? हाँ यही बनाना है। हाँ तो फिर बनाते हैं। ठीक है तो फिर मैं बनाता हूँ। मैं बना देता हूँ, ला मुझे दे, मैं बनाऊंगी। रेंदे रेंदे बस, तो देख रखी है मैंने तेरी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो मैं बनाता हूँ। हाँ तो मेरी भी ड्राइंग अच्छी है, ला मेरे को दे। वे गेम कौन लेके आया है? भाई कोई भी लेके आया, ड्राइंग मेरी अच्छी है, एक्सीलेंट बनता मुझे स्कूल में ड्राइंग में, तो मैं बनाऊंगा। हाँ तो मुझे भी ना A+ ग्रेड मिलती थी स्कूल में ड्राइंग में, ला मेरे को दे। नहीं 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 मैं ही बनाऊंगा। बना ले, वो तो आसान है, इससे तेरे को दे दिया जा। अभी देखना तुम कितना कैडा बनाता हूँ। देखो कहीं गया। अरे मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, तूने इतना परफेक्ट बना दिया, बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। धोखा होगा कुछ नहीं खा रही, ये बस इस आर्टिस्ट के हाथ का कमाल है। मेरे का कमाल है, इतना इजी था ये। तभी तो मैं कह रहा था मेरे को बनाने दो, कितनी अच्छी ड्राइंग है ना मेरी। अच्छा ये तो बन गया, अब आगे क्या करना है? हाँ आगे कैसे खेलना है? ये सारा सामान हटाओ और इसके ऊपर 4 मोमबत्ती लगाओ। अच्छा ठीक है।
भाई, चार मोमबत्ती भी हो गई। अब बता, अब आगे क्या करना है? अब हमें अपनी एक उंगली इस बोर्ड पे रखनी है। ले रख दी। और बोलना है कोई भी भूत प्रेत आत्मा यहाँ है तो अपनी प्रेजेंस दिखाए, हमारे सामने आए। ऐसा बोलने से भूत आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। और जान रहे हैं, कोई भी अपनी उंगली इस बोर्ड से नहीं हटाएगा। जिसने भी अपनी उंगली इस बोर्ड से हटाई वो अपनी जान जाने का खुद जिम्मेवार होगा। उंगली मत हटाइयो। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। मैं भी नहीं हटाऊंगी। शुरू करें? हाँ। अगर कोई भी भूत प्रेत आत्मा यहाँ पर है तो हमें अपनी प्रेजेंस दिखाए, हमारे सामने आए। कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? अबे कोई भी नहीं आया। एक काम करते, एक और बार करते, क्या पता आ जाए। हाँ एक बार और करते। अगर कोई भी भूत प्रेत आत्मा यहाँ पर है तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाए, हमारे सामने आए। फिर कोई नहीं आया। हाँ यार कोई भी नहीं आया अभी भी, अब क्या करें भाई। एक और बार करते ना। एक बार और कर लेते हैं। कर लेते हैं। अगर कोई भी भूत प्रेत या आत्मा यहाँ पर है तो अपनी प्रेजेंस दिखाए, हमारे सामने आए। अभी भी कोई नहीं आया। अगर कोई भूत प्रेत नहीं आया, तीन बार ट्राई कर चुका हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक और बार कर ले भाई। मैं नहीं कर रहा एक और बार, ये काम ही नहीं कर रहा। बेकार गेम है तेरा। बेकार गेम नहीं, बेकार तेरा बोर्ड है। बोर्ड खराब? अबे अभी थोड़ी देर पहले तो इसी की तारीफ कर रहा था कि तूने अच्छा बनाया है। वो तो मैं तेरा दिल रखने के लिए कर रहा था। वाह वाह, दिल रखने के लिए कर दिया था मैंने। 3 घंटे लगा के इतनी मेहनत से बनाया और अब कह रहा है ये खराब है, ये खराब नहीं है बेटा, तेरा गेम ही खराब है, गेम ही बेकार है ये। तेरी ड्राइंग ही बेकार है। टाइम वेस्ट कर दिया बेफालतू में मेरा, मेरी ड्राइंग खराब बता रहा है। जा रहा हूँ मैं सोने, बेकार गेम है एक नंबर का, कोई भूत भूत नहीं आने वाला, मैं कह ही रहा था। अरे तो फिर मैं करूंगी, इतने बस गेम खेलने नहीं आता था तो बोल क्यों नहीं गेम खेलने के लिए। उसी जोर से बैठी हुई थी जूजू रोक के, जा रही हूँ जूजू करने। ये काम क्यों नहीं करा उसने, बनाया भी ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट करा दिया, कोई काम का गेम नहीं था, कुछ नहीं, बेकार एक नंबर। इतना बेकार गेम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। गेम कैसे बेकार था? अबे बेकार ही था और क्या, इसमें क्या था, भूत आए ही नहीं। आ तो गए। कहाँ आ गए? करवा दिया मेरे, इतनी देर से सुसु रोक कर बैठी हुई थी, तो कुछ आया नहीं। आ तो गया, कहाँ आया? सोच रहा है यार? मैं सोच रहा हूँ वो भूत आए क्यों नहीं, हमने तो सारी चीज सही करी थी फिर भी नहीं आए। हाँ तू गए? अरे कहाँ आया यार? मम्मी मम्मी मम्मी, तूने अलग देखा, मैंने अलग देखा, इसने अलग, मतलब हम तीनों ने अलग अलग भूत देखा। मतलब तीन अलग अलग भूत है, मतलब हमने एक में तीन तीन भूत बुला लिए। अब क्या करेंगे? हम तीनों को तुमने ही बुलाया है भाई, इनको भगाते कैसे पता है?
देखो देखो हमसे ना गलती हो गई, हमने वो मंत्र 3 बार बोल दिया। आप एक काम करो, आप चले जाओ, हम आपको तंग नहीं करेंगे। चले जाओ? ऐसे कैसे चले जाओ? अरे जैसे आए थे वैसे चले जाओ। हाँ? कैसे आए थे? ऐसे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने एक रूल ब्रेक किया है। कौन सा? हम लोगों को गेम के एंड में गुड बाय ही बोला। ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई होता है, जब ही तो भूत वापिस जाते हैं। अबे तब पहले क्यों नहीं बताया? देखो प्लीज हमें ना माफ कर दो, आप चले जाओ। हम नहीं जा सकते, हम तो यार तुम तीनों को लेने आए हैं, अब तुम तीनों को हमारे साथ जाना होगा। नहीं नहीं, नहीं हाँ, हम साथ में नहीं जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे। पागल हो गए क्या? आपकी दुनिया में हम क्या करेंगे? आप चले जाओ, हम तो छोटे मोटे बच्चे हैं, हमें यहीं रहने दो। हमें बच्चे ही तो पसंद है, अब तो तुम्हें चलना ही होगा। देखो प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। देखो हाथ जोड़ रहे हमके सामने प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। मान गए, चलो बच गए। तुमने हमारे साथ एक गेम खेला, अब हम तुम्हारे साथ 3 गेम खेलेंगे, बताओ मंजूर है? अब हम भूतों के साथ खेलेंगे क्या? ये तो ऐसे जीत जाएंगे, कैसी गेम? वो 3 गेम भी तुम्हें डिसाइड करोगे, और अगर उन 3 गेम में से तुम एक भी जीत गए तो तुम छोड़ दिए जाओगे। मतलब गेम हम ही डिसाइड करेंगे? अरे फिर तो सिंपल है, हम ही जीतेंगे यार। गेम भी हम डिसाइड करेंगे, और वैसे भी एक ही तो जीतना है, जीत जाएंगे। ठीक है तो तुम सोच के बता देना कौन सी गेम खेलनी है। हाँ हम डिसाइड करके बताते हैं कौन सा गेम खेलना है। ठीक है बाय। यार गेम का चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, अब ये सोचना है कि ऐसे कौन से 3 गेम हैं जिनमें हम बिल्कुल एक्सपर्ट है, जिनको यूं हरा दें। कौन सी गेम है ऐसे? भाई अगर हम इनके साथ गेम खेलेंगे ना तो क्या पता ये हमें हरा दे, क्योंकि ये तो भूत है ना और हम साधारण से इंसान। हम एक काम करते हैं, इनको ना एक चैलेंज दे देते रील बनाने का। रील बनाने का? और नहीं तो क्या, हम एक्सपर्ट है ना रील्स बनाने में, और हमारे फॉलोवर्स भी है। अब ये तो भूत है, इनको क्या ही पता सोशल मीडिया के बारे में, ना इनके फॉलोवर्स होंगे और ना इनको रील बनानी आती होगी, तो हम ऐसे चिटके में जीत जाएंगे। तुम कहना चाहती कि गेम की जगह हम इन्हें एक चैलेंज दे देते हैं? बिल्कुल, और पहले ही चैलेंज में हरा देते हैं। बिल्कुल, आइडिया तो अच्छा लग रहा है, इनको क्या पता होगा सोशल मीडिया का। अरे इनके तो फॉलोवर्स भी नहीं होंगे। सही बात है, ये तो दिमाग तो है। चलो फिर बोलते हैं इन्हें। चलो चलो। अरे सही से रखना कैमरा, मैं तो दिख ही नहीं रहा। अरे हो गया जुगाड़, आगे आओ आगे थोड़ा। रेडी हो? 3, 2, 1 चीन टमाक डम डम। यस बन गई। ये ट्रेंड तो खूब चल रहा है, खूब भी छाप रहे हैं लोग इस पे, वायरल होगी देख लियो बारी। हम भी छापेंगे भी इस। हमारा तो ठीक है, वो क्या बना रहे होंगे? चलो देखते हैं। हाँ थोड़ा चुपके देख लेंगे। हाँ। चलो चलो। चलो फिर पूछ लेते हैं। एक मिनट, क्या कर रहे हो? रील्स बना रहे हैं। रील्स बना रहे हो? तो इस ट्रेंड का तुम्हें कैसे पता? ये तो हमारे यहाँ चलता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ भी चलता है और हम इसके बादशाह हैं। मतलब तुम्हें सारे ट्रेंड का पता है? हाँ
हमें सारे ट्रेंड्स का पता है, इनफैक्ट हम तो ट्रेंड बनाते हैं। कितने फॉलोवर हैं? मेरे 8 बिलियन। ओह नो। मेरे 15 और मेरे 30 मिलियन। मैं ये तो बहुत कम टिकटॉकर दादा निकले बाहर जाएंगे आज। बेइज्जती कराने से अच्छा पहले और मान लेते हैं। देखो हमारी ना तुम तीनों से हाथ जोड़ के एक विनती है, प्लीज ये रील मत डालना कहीं, ठीक है? हमने वैसे ही हार मान ली। अच्छा हार मान गए। हाँ। चलो दूसरा गेम बताओ। दूसरा हम सोच विचार करके बताएंगे। हाँ। बताओ बताओ, सोचो सोचो। अबे यार ये तो प्रो निकले रील बनाने में, अब क्या करें? अब तो हमें कोई ऐसा गेम ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम तीनों एक्सपर्ट हो और जो हम रोज खेलते हो। हाँ लेकिन ऐसा कौन सा गेम है? पर गेम सोचना पड़ेगा भाई। छुपम छुपाई खेले? छुपम छुपाई? अरे इन्हें थोड़ी पता होगा हमारे लोकल गेम होगा। हाँ सही कह रहा है ये। हाँ और ये तो हम रोज भी खेलते हैं और हम इसमें एक्सपर्ट भी हैं। हाँ बात तो सही। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास 2 ही चांस हैं और अगर हम इसमें हार गए ना तो एक ही बचेगा। इतना बड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते, तो ये हमें जीतना ही जीतना है। पक्का ना? पर पक्का पक्का। ठीक है तो फिर डन है, चलो इन्हें छुपम छुपाई खिलाते हैं। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गए। आ जाओ। तो भाई बहुत मस्त जगह बैठा है, तेरे को तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। अरे गेम भी तो मैंने ही बताई है, मैं थोड़ी मिलूंगा। आई स्पाइस मिल गया? हाँ पहला कैंडिडेट तू ही है सबसे पहले। हाँ आजा बेटा आजा आजा आजा। कोई नहीं आया, मैं छुपी इतनी मस्त जगह हूँ, कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। सही बोल रही है तू, तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। देखा मेरा दिमाग? ऐ मिल गई मैं। चल खड़ी हो। कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 चलो चलते हैं। चलो ये तो सामने बैठे हैं, मिल गए। अबे ये कहाँ चले गए? चलो कहीं और ढूंढते हैं। चलो चलना दादी। किसको ढूंढ रहे हैं? फिर कहाँ चले गए? फिर से गायब हो गए? कहीं अपने होंगे, चले ढूंढते हैं। ऊपर देखते हैं। उधर देखो, पर्दे के पीछे हाथ दिखाई दे रहा है। हाँ। चलो आइस पाइस करते हैं इसे। चलो आइस पाइस। अबे यहाँ से भी गायब हो गया। लेकिन हाथ दिखाई दिया था। हाँ दिया था, मैंने भी देखा था। चलो वहां देखते हैं। चलो बिल्ली आइसक्रीम फिर से गायब हो गई।
यहाँ से भी गायब हो गया। अरे यार इन भूतों ने तो हमारी रेल ही बना दी है, जहाँ पर भी देखते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं, ऐसे कैसे जीतेंगे हम? सही बात है, इनसे नहीं जीत सकते हम। अरे भाइयों हमने हार ही मान ली, आ जाओ सामने। लो आ गए हम। एकदम से आते ना धड़कन तेज हो जाती मेरी। अब हमने हार मान ली। तो बताओ फिर तीसरा गेम कौन सा खेलना है? हाँ ठीक है, हम तीसरा गेम सोच के बता देंगे। सोचो सोचो, सोच के बताओ। अच्छे से सोच लेना, क्योंकि अब तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। अगर तुम लोग उसमें भी हार गए तो तुम तीनों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। ओह नो। हाँ ठीक है। हाँ सोचो सोचो। अब क्या करें? उल, तेरे को ये किसने बताया था? गेम किसने बताया था वैसे? मेरा एक दोस्त है, उसने बताया था। अच्छा, उसको फोन करियो जरा। इधर तेन। हेलो। हेलो। अबे भाई, भाई तूने इसको क्या गेम बता दिया यार? ये कोई ओझा बोर्ड करके यहाँ पे तीन तीन बोर्ड टपक पड़े हैं। हाँ भाई, उन्होंने गेम खेलने के लिए बोला है। कौन सा राउंड चल रहा है? तीसरा राउंड चल रहा है। हाँ तो एक काम करो, उनके साथ ना बोतल के अंदर घुसने वाली गेम खेलो, और जैसे ही वो लोग बोतल के अंदर घुसे बोतल बंद कर देना। अच्छा हो जाएगा काम? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। ये दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया? अभी दिमाग में आई तो बोल दिया। तुम दोनों का भी तो बेकार ही चला था। तुमने क्या गेम बताए थे? रील बनाते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं। नौटंकी बात कहीं का। चलो लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कामयाब नहीं हुआ ना तो बैंड बच्चा ही उनके साथ जाना पड़ेगा। मेरे को नहीं जाना, सब इसकी वजह से हुआ है। चलो चलो। दो गेम तो तुम हार चुके हो, अब तीसरा बताओ कौन सा गेम खेलना चाहोगे? मुझे लगता है ये तीसरा भी हारने वाले हैं। चिंता मत करो, तीसरा नहीं हारने वाले हम, ये तो हम जीतेंगे। तो बताओ फिर तीसरा कौन सा गेम खेलना चाहोगे? ये तीनों बोतल दिखाई दे रही हैं? हाँ। अब बस इतना करना है, हमें इसके अंदर जाके वापिस आना है। एक बार हमें, एक बार तुम्हें। तो अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम हार गए, हम ना कर पाए तो हम हार गए। बस इतना सा काम है? ये तो हमारे चुटकियों का काम है। इसके अंदर जाना क्या बड़ी बात है, लेकिन हम तो चले जाएंगे, तुम इंसान कैसे जाओगे इस बोतल में? हमारी ज्यादा ना चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का है। हाँ, हम तो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट। रोज ही तो जाते हैं। हाँ। अंदर बार जाते आते रहते हैं हम तो। और हाँ, हमारा जादू तो बाद में देखना, पहले तुम तो करके दिखाओ। ठीक है फिर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अभी करके दिखाते हैं। हाँ हाँ जाके दिखाओ। ओ बंद करो जल्दी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना बोतल में? हाँ हो गए कैद। धोखा क्यों तुमने हमारे साथ? हम तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं। वरना तुम भूत ऐसे थोड़ी ना काबू में आओगे। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकालो, मैं बाहर निकालो यहाँ से। धोखा हमारे साथ, धोखा। लेकिन अब इन बोतलों का क्या करेंगे? इनका एक काम करना, तो जब घर जाए ना, एक तू ले जाइयो, एक मैं अपने घर रख लूंगा, और थोड़ा छुपा के रखना। ठीक है? ठीक है। और आज के बाद ये गेम कभी मत खेलना। मैं तो नहीं खेलने वाली। फिर ठीक है, वरना तीन की जगह छह हो जाएंगे। फिर कैसे बोतल में बंद करेंगे? सही बात है, इतनी तो बोतल भी नहीं है। Hey guys,
गाइस, तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आप भी एक बेहतरीन जिंदगी का सपना देखना चाहते हो तो आज ही पॉकेट ब्रोकर पर ट्रेडिंग शुरू करो और मेरा प्रोमो कोड BHYAN जरूर यूज करना अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस पाने के लिए। क्या पता अगली सक्सेस स्टोरी आपकी हो और मैं उसे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करूं। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।